तो देखिए हम लोग पहुंच गए हैं और अभी यहाँ गाना वगैरह बज रहा है। ये पंडाल यहाँ का छोटा बड़ा। तो देखिए यहाँ का मूर्ति कितना सुंदर है गणेश जी का। ये सजावट है तो देखिए यही है मूर्ति और कितना सुंदर लग रहा है। अभी शाम के वक्त का नज़ारा है ये सिक्किम का। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग बताइए कमेंट्स में मैसेज करके कि आप लोग कैसे हैं। हम लोग तो मस्त हैं, ठीक है। और अभी देखिए शाम का वक्त है, थोड़ा हम लोग सोच रहे हैं दो दिन से टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि बारिश हो रहा था कंटिन्यू। तो आज बारिश में ही हम लोग सोच रहे हैं कि छाता लेके मतलब बाहर थोड़ा घूम के आए मार्केट तरफ। तो हम लोग देखिए दोनों रेडी हो चुके हैं और मम्मी भी अभी तक रेडी हो रही है और मम्मी ऋषिका अभी तक रेडी हो रही है और हम लोग दोनों रेडी है और हाँ। छोटा बाबू सो रहा है तो हम लोग अभी फिलहाल जाएंगे मार्केट, थोड़ा सा घूमेंगे। बाबा गाड़ी में जाएंगे कि छाता लेके? छाता लेके जाएंगे तो गाड़ी में कैसे जाएंगे? बाहर हम लोग चल चल के आएंगे। घूमने का मजा तभी ना, गाड़ी में घूमने से मजा नहीं है। सुनिए, तीन को छाता लेंगे, एक तो हम पकड़ेंगे, एक तो मम्मी, एक तो आप ना। तो दोस्तों आप लाइन लाइन पे बोल रहा हूँ, आप लोग ब्लॉग के बने रहिएगा, आप लोग देखने को मिलेगा। मार्केट तरफ जा रहे थे, थोड़ा सा बाजार का नजारा कुछ। अभी हम लोग निकल गए हैं बाहर, घर के बाहर। देखिए सानू कितना खुश से सोया हुआ था, अभी उठ गया ठीक जाने के टाइम में ही। और आज हम लोग निकले हैं एक्चुअली गणेश पूजा पंडाल देखने, क्योंकि नहीं गए थे गणेश पूजा के दिन, बाबू का तबीयत कुछ ठीक नहीं था तो इसी के लिए आज जा रहे हैं। और दो दिन से बारिश भी हो रहा था। हाँ बारिश हो रहा था जिसके कारण नहीं जा पा रहे थे। आज बारिश है लेकिन उतना नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। तो अभी फिलहाल नहीं हो रही है इसी के लिए हम लोग अभी निकले हुए हैं पहाड़ में। जब भी निकलो बारिश की। और अभी ये शाम का वक्त है और ईशु का छुट्टी है, बहुत जिद कर रहा था घूमने जाएंगे क्योंकि हाँ स्कूल से आता है तो देखा है कि पंडाल लगा है तो इसी के लिए। बारिश थोड़ा बहुत हुआ है, देखिए इधर का पहाड़ों का सीन कितना सुंदर लग रहा है एकदम। अभी 5-6 बज रहा है लेकिन मौसम लग रहा है ऐसे कि अंधेरा हो गया मतलब 6-6:30 हो गया जैसे लग रहा है। हाँ। अभी लेकिन बज रहा है अभी 5। प्लेन साइड में तो अभी धूप ही होगा। इधर जिधर भी नजर घुमाएंगे पहाड़ और जंगल और एक बिल्डिंग, तीन चीज तो जरूर मिलेगा। और रोड भी देखिए कितना डाउन है। रोड तो चढ़ाई ऊंचा नीचा रहता ही है, पहाड़ कट के बना है। तो देखिए हम लोग कितना ऊपर में है और नीचे देखिए इधर मार्केट है ये ना। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं मार्केट। सानू का है सानू ये तो एकदम खुश रहता है मार्केट आने के बाद, मतलब कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए हम लोग पहुंच गए हैं और अभी यहाँ गाना वगैरह बज रहा है। ये पंडाल यहाँ का छोटा बड़ा। तो देखिए यहाँ का मूर्ति कितना सुंदर है गणेश जी का। ये सजावट है तो देखिए यही है मूर्ति और कितना सुंदर लग रहा है। अभी शाम के वक्त का नज़ारा है ये सिक्किम का। तो देखिए ये है मूर्ति, ये सिक्किम के नज़ारों का मूर्ति है और पंडाल है छोटा मोटा, ऐसे ही पंडाल होता है और बहुत अच्छा लगता है। ये शाम के वक्त का है, देखिए मैं दूर से दिखा रही हूँ आप लोगों को। और देखिए इधर का सजावट वगैरह भी देखिए कितना सुंदर है। और अभी रिशु और उसके पापा जा रहे हैं, बाबू भी जा रहा है दर्शन करने भगवान का। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, हम भी दर्शन कर लेते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए सामने से कितना सुंदर लग रहा है। इधर बैठे हैं सब, देखिए लगवा लीजिए ना आप लोग पहले। देखिए अभी टीका लगाने गए हैं इन लोग।
तो फ्रेंड देखिए हम लोग दर्शन करने आए हैं और यहाँ पे देखिए बाबू लोग दर्शन कर रहा लिया और इधर वाइफ जो है रीना जी मतलब जो है पूजा कर रहे हैं। देखिए छोटा बाबू जो गोड़ लग रहा है, कितना सुंदर गणेश जी है। देखिए अभी हम लोग दर्शन कर लिए, अभी गाना बंद है इसलिए हम थोड़ा सा वीडियो 5 मिनट का बना लेंगे जी पे या 2 मिनट का। और अभी देखिए वाइफ लोग पूजा कर रहे हैं और कर लिए, और अभी हम लोग साउंड बंद इसलिए थोड़ा सा कैमरा ऑन किए हैं, नहीं तो साउंड आएगा इसलिए हम लोग कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे थे। हम लोग पूजा करके आ गए नीचे में। देखिए और आज सैटरडे के दिन इसलिए खाली खाली है, क्या मार्केट आज खाली है और बाहर में बारिश भी हो रहा है और दर्शन भी अच्छा से हो गया है। देखिए सभी लोग ढोलक लेके आ गए हैं क्योंकि बच्चे लोग का एक प्रोग्राम होगा, ये लोग ढोलक बजाएंगे और हम लोग अभी रहेंगे नहीं लेकिन फिर भी आप लोग को दिखा दे रहे हैं। बच्चे लोग का तैयारी देखिए और ये भी कितना सुंदर है गणेश जी। देखिए गणेश भगवान कितना अच्छे लग रहे हैं, गणपति बाप्पा मोरिया। फिलहाल घर में मार्केट से देखिए रीना जी बाबू कपड़ा खोल रहे हैं और मैं भी इधर अभी ड्रेस लगाया ही हूँ क्योंकि गर्मी भी है, बारिश भी बाहर में हो रहा था, अंधेरा भी हो गया था इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। तो अब दिखाते हैं आपको रीना जी क्या खाना में बनाएंगे। अभी आपको खाना आधा बना दिया, मतलब भुजिया भिंडी का स्मेल हो रहा है। अच्छा भिंडी का भुजिया स्मेल हो रहा है, मतलब खाना बन गया 50%। अभी और बनाएंगी मम्मी और रीना जी भी, तो आपको प्लीज वीडियो बने रहिए, दिखाएंगे वीडियो में। तो फ्रेंड अभी हम लोग आ गए हैं घूम फिर के और अभी घर में बैठे हुए हैं। देखिए अभी टाइम हुआ नहीं खाना बनाने का, अभी 7:30 के लगभग हुआ है, तो 8 बजे से बनाएंगे रोटी। माँ भुंजिया वगैरह बनाई है, भिंडी का भुंजिया, और हम सिर्फ रोटी बनाएंगे और टमाटर का थोड़ा चटनी करेंगे। बाहर का मौसम इतना अच्छा है तो सोचे थे कि लिट्टी बनाने के लिए, मतलब कचौड़ी, सत्तू का कचौड़ी सोचे थे बनाने, लेकिन माँ भुंजिया बना दिए ताकि मेरे लिए इजी हो जाए, कि मतलब थक कर आएंगे तो फिर उतना सारा बनाना पड़ेगा, इसी के लिए माँ मेरा काम थोड़ा हल्का कर दिए, मतलब भुजिया वगैरह बना दिए, बस रोटी बनाना है तो बनाएंगे थोड़ी देर में। अभी फ़िलहाल देखिए इधर बाबू बड़ा वाला आके घर में थक गया तो मोबाइल देख रहा है, और छोटा वाला बाबू है वो भी खेल रहा है आगे रूम में अपने दादा जी के साथ। और सानू बाज़ार जब जाता है ना मार्केट, कभी किसी को कुछ तंग नहीं करता है, बहुत मतलब इतने खुशी से रहता है ना कि उसको कुछ नहीं चाहिए, पानी तक भी नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से रहता है, एकदम तंग नहीं करता है। तो घूम फिर के आगे आते समय थोड़ा बारिश भी हो रही थी बट चलेगा, उतना ज़्यादा बारिश नहीं था। तो बनाएंगे थोड़ी देर में, उसके बाद खाना पीना खा के आराम करेंगे। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। हम लोग का यहाँ पे बहुत बड़ा पैंडल नहीं होता है, छोटा मोटा ही होता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, इतना ही थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, और एरिया छोटा है, स्पेस छोटा है,
इसी के कारण फिर भी जितना होता है बहुत अच्छा से होता है। तो रिशु बहुत जीत कर रहा था, तो रिशु घूम लिया ना अब। हाँ। हाँ? हाँ। अब नहीं ना तंग करोगे? पोकेमोन कार्ड। और देखिए क्या क्या खिलौना भी ले लिया है, पोकेमोन कार्ड और क्या है बोला पंखा, क्या क्या घिरनी तिरनी क्या क्या लिया है सब। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। देखिए किस तरह से छना रहा है, अच्छा अभी टूटे इसके नीचे तोड़ रहे हैं, अभी तोड़ रहे हैं। हाँ। एक बार खा के देखिए तो कैटा है आपके लिए है कि नहीं। ललन टॉप टेस्टी। हाँ। कैची का कचौड़ी है? ए? कैची का कचौड़ी है लिट्टी। तो क्या चीज का है? सत्तू। हाँ दिखाओ सत्तू। अरे वाह, और तो निकाला ही नहीं है। तुम्हारे लिए तो कम कम ही भरते हैं क्योंकि तुम नहीं ना खाते हो भरा हुआ। इसको कचौड़ी चाहिए या समोसा चाहिए, इसको अंदर का फीलिंग नहीं चाहिए, बस ऊपर से सेम उसका पापड़ी सब चाहिए। तो देखिए इसके लिए कम थोड़ा भरा गया है, है? पानी, पानी तो ये है लो। हाँ। और रिशु अभी शेयर कर रहा है अपने पापा के साथ। बहुत टेस्टी बना है सच्ची। ये पूरे ले जाएगी। तो ये है आज का हमारा नाश्ता, सुपर टेस्टी एंड हेल्दी सत्तू के कचौड़ी। अब उसको निकाल देते हैं, देखिए कितना मस्त बना है। तो इतना जान खूबसूरत है। तो देखिए सुबह सुबह का नाश्ता कचौड़ी का मजा ले रहे हैं। सुबह सुबह गर्मा गर्म सत्तू का कचौड़ी, कचौड़ी रहा कैसा है टेस्ट? अच्छा है, देसी टेस्ट है। बहुत दिनों बाद बनाए, बाहर बारिश हो रही है और घर में सत्तू के कचौड़ी। कचौड़ी हाँ। तो आज हम लोग ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे कल, मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। हाँ तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय नहीं, पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।